नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुशल स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं 10 सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया अंडर द बजट ऑफ 10 लाख रुपीज़। मतलब 10 ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सेफ है इंडिया रोड्स इंडियन रोड्स के हिसाब से 10 लाख रुपए के अंदर। तो आपसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो में कोई से आपकी सेफ या सेफेस्ट कार बोलना भूल जाऊँ, उसके लिए पहली सॉरी। और इसी वीडियो में मैंने 3 स्टार्स से ऊपर मतलब 4 और 5 स्टार्स वाली कार ली है, इससे नीचे कोई भी कार से नहीं ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, 10th नंबर में जो गाड़ी आई है वो मारुति की तरफ से गाड़ी, जिसका नाम है मारुति विटारा ब्रेजा। इस जो मॉडल क्रैश टेस्ट में टेस्ट किया गया था उसके अंदर से 2 एयरबैग्स थे, और ये मारुति की पहली और आखिरी गाड़ी जिसके अंदर 4 स्टार रेटेड आई है उसको। और उसके पॉइंट्स मिले थे 17 में से 12.51 पॉइंट्स मिले थे। इस गाड़ी की शोरूम कीमत है 7.34 लाख। ये गाड़ी सिर्फ अभी BS6 में पेट्रोल के अंदर आती है और इसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। दोस्तों, जो अगली 9th नंबर की गाड़ी है वो है टाटा की तरफ से टाटा टिगोर। इस गाड़ी में जो क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग्स थे। ये गाड़ी 4 स्टार रेटेड है। इसकी रेटिंग्स आई थी 17 में से 12.52। शोरूम कीमत गाड़ी की 5.75 लाख है। ये गाड़ी पेट्रोल में अवेलेबल होती है BS6 के अंदर, और इसका AMT पेट्रोल में ही आता है। सो दोस्तों, अपनी जो 8th नंबर की गाड़ी है वो वॉक्सवैगन फैमिली से है, जिसका नाम है पोलो। जिस गाड़ी में क्रैश टेस्ट किया गया था उस गाड़ी में 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। ये गाड़ी ने 4 स्टार रेटेड गाड़ी बनी है ये, और इस गाड़ी के पॉइंट्स बने थे 17 में से 12.54 पॉइंट्स। इस गाड़ी की शोरूम कीमत है 5.88 लाख। ये गाड़ी पेट्रोल में अवेलेबल है BS6 के अंदर, और इस गाड़ी के अंदर कोई भी AMT ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं आता है। सो दोस्तों, अगली जो 7th नंबर की गाड़ी है वो महिंद्रा की फैमिली से है, इसका नाम है महिंद्रा मराजो। जो गाड़ी टेस्ट की थी इसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। ये गाड़ी ने 4 स्टार रेट गाड़ी बनी है, और इस गाड़ी के अंदर 17 में से 12.85 इसको रेटिंग मिली है। इसकी शोरूम कीमत एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज़ है BS6 वाले मॉडल की, और ये गाड़ी सिर्फ डीजल में प्रेजेंट है और उसके अंदर कोई भी AMT मॉडल नहीं आता है। सो दोस्तों, 6th नंबर पर जो गाड़ी आई है वो होंडा फैमिली से है, जिसका नाम है होंडा अमेज। जो गाड़ी के साथ में क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे, और ये गाड़ी 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, और इस गाड़ी के पॉइंट्स मिले थे 17 में से 12.95। इस गाड़ी की शोरूम कीमत है 6.12 लाख, और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, और इसके ऑटोमेटिक पेट्रोल डीजल दोनों में आता है। सो दोस्तों, अपनी जो 5th नंबर की गाड़ी है उसका नाम है वॉक्सवैगन वेंटो। ये भी वॉक्सवैगन फैमिली से ही बिलोंग करती है। इस गाड़ी के अंदर जो क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। इस गाड़ी को मिले हैं 5 स्टार। ये हमारे सीरीज़ की पहली 5 स्टार गाड़ी है। इस गाड़ी के पॉइंट्स मिले थे 17 में से 14.75। इस गाड़ी की एक्सोर कीमत है 8.91 लाख। ये गाड़ी पेट्रोल में अवेलेबल है, और इसका AMT पेट्रोल में आता है। सो दोस्तों, 4th नंबर की गाड़ी है वो स्कोडा फैमिली से है, जिसका नाम है रैपिड। जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। गाड़ी को मिले हैं 5 स्टार, और इसकी रेटिंग है 17 में से 15.37। इसकी शोरूम कीमत है 8.82 लाख, और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, और इसका AMT ट्रांसमिशन सिर्फ पेट्रोल में आता है। सो दोस्तों, अपनी 3rd नंबर की गाड़ी है उसका नाम टाटा नेक्सॉन। ये इंडिया की पहली गाड़ी थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। इसकी जो मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। इस गाड़ी को पॉइंट्स मिले थे 17 में से 16.06। इस गाड़ी की एक्सोन कीमत है 6.95 लाख। ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, और AMT ट्रांसमिशन दोनों पेट्रोल डीजल दोनों में आता है। तो दोस्तों, जो गाड़ी है जिसने 2nd पोजीशन हासिल की हमारे वीडियो में उसका नाम है टाटा एल्ट्रॉस। ये गाड़ी 2 एयरबैग के साथ प्रेजेंट थी, और इस गाड़ी के अंदर 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है ये। ये गाड़ी के अंदर 17 में से 16.13 इसको रेटिंग मिली थी। इस गाड़ी की एक्सोन कीमत है 5.29 लाख। ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, और इसके अंदर अभी तक कोई भी AMT मॉडल नहीं आया है। सो दोस्तों, अगली जो गाड़ी है जिसने बिल्कुल फर्स्ट रैंक हासिल की हमारे वीडियो में, वो गाड़ी है महिंद्रा फैमिली से, जिसका नाम है XUV300। जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था उसके अंदर 2 एयरबैग प्रेजेंट थे। इस गाड़ी को मिले हैं 5 स्टार, और इस गाड़ी की रेटिंग मिली है 17 में से 16.42। ये गाड़ी 8.30 लाख से स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल और डीजल में मिलती है। इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरियंट सिर्फ डीजल के अंदर आता है। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा कि टॉप 10 सेफेस्ट कार ऑफ द इंडिया कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तब बात करते हैं हम लोग वर्डिट की, जो लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं उनको बता रहे थे कि वर्डिट क्या है इसका।
तो मारुति की इस वीडियो में सिर्फ एक गाड़ी थी, उनकी विटारा ब्रिज़ा। उसके बाद महिंद्रा की यहाँ पे हमारे पास दो गाड़ियाँ थी, एक तो उसकी मराजो, एक XUV300। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्कोडा की, सिर्फ एक गाड़ी थी उनकी रैपिड। और उसके बाद करते हैं वॉक्सवैगन की, वॉक्सवैगन की यहाँ पे दो गाड़ियाँ थी, पोलो और वेंटो। और टाटा की यहाँ पे तीन गाड़ियाँ थी, अपना टाटा अल्ट्रोस, टाटा टिगोर और टाटा नेक्सॉन। की टाटा नेक्सॉन बता देता हूँ, ये इंडिया सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार बनी थी सबसे पहली बार, क्योंकि ये गाड़ी पूरी इंडिया में डिज़ाइन की गई थी, इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई थी, इसलिए इंडिया सबसे पहली सेफेस्ट कार बनी थी, इसको 5-स्टार रेटिंग आई थी। बाकी सारी जो गाड़ियाँ पहले आप देख रहे थे, जैसे स्कोडा, ये सब गाड़ियाँ इस 5-स्टार जरूर थी, पर ये पहले इनको मिल चुका था, मतलब ये बाहर कंट्रीज़ में होती थी गाड़ियाँ, टेस्ट और वहीं बनती थी। पर इंडिया सबसे पहली गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन, जो इंडिया में बनके इंडिया में डिज़ाइन की गई थी और इंडिया में बनी थी, और उसको 5-स्टार रेटिंग मिली थी। सो दोस्तों, यहीं तक का था अपना वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे तरफ से कुछ गाड़ियाँ छूट गई होगी, तो अगर गाड़ी छूट जाती है उनसे कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि जो लोग अगली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता हो कि अच्छा ये गाड़ी भी टॉप 10 सेफेस्ट कार की लिस्ट में आ सकती थी। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको लाइक करना, मैं तब मांगने में शर्म बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत में, धूप में, इतनी गर्मी में, देखिए इतनी गर्मी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आपसे लाइक मांगने में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके इस चैनल पर ऐसे कार बाइक के बारे में नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। मेरे चैनल पर एक हफ्ते में जनरली 2 से 3 वीडियो कार बाइक के नॉलेजफुल वीडियो बनती रहती है। वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों को नई कार खरीदनी होगी, उनको वो चाहते हैं उनको एक सेफ कार खरीदनी है और उनका बजट 10 लाख तक का, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, कि ताकि जब वो अगली बार कार खरीदने जाए उनको पता हो कि कौन सी कार सेफेस्ट कार ऑफ द इंडिया है और कौन सी कार टॉप 10 सेफ कार ऑफ इंडिया में आती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय।